वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कीर्ति पांडे आपके लिए एलसीएम लेके आई हूँ। ठीक है, तो हम जानते हैं कुछ सिंपल से टॉपिक कि एलसीएम करते कैसे हैं। ठीक है, एलसीएम करने का सबसे आसान तरीका बताऊंगी मैं। ये हमने 12 लिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि ये 12 किस किस के टेबल में आता है। ठीक है, किसके आता है, 2 के आता है, 3 के आता है, 4 क्या आता है, और भी टेबलों में आता है। ठीक है, ये आता है, पर हम पहले एलसीएम करने के लिए सबसे छोटी डिजिट लेंगे। 12 किसके टेबल में आता है, 2, तो 2 हमारा सबसे छोटी डिजिट है। तो हमारा सबसे छोटी डिजिट है ना, तो हम क्या करेंगे, 12 को पहले 2 से करेंगे। 12 कितने पे आता है, 12 कितने पे आता है, 6 पे आता है। फिर 12 कितने पे आता है, 3 पे आता है। फिर 2 के टेबल में जो, सॉरी, 2 के टेबल में अब 3 तो आता नहीं है, तो इसलिए हम इस 3 किसके टेबल में आता है, ओनली कितने, 3 के टेबल में आता है। तो इसलिए हमारा एलसीएम क्या हो गया, अगर हम एलसीएम इसका, रुक जाओ 2 मिनट रुको ना, हाँ, इसका एलसीएम निकालना है तो 2 × 2 × 3, इनको इंटू करके लिखने हैं। तो 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 12। तो देखो, हमने मल्टीप्लाई इंटू करके भी हमें पता चल गया है कि ये चीज़ हमारी सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 15 का कैसे करेंगे, इसके भी फैक्टर करेंगे हम। अब पहले देखेंगे 15 किस किस के टेबल में आता है। ये तो ये हमारे 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है, और कौन से टेबल में आता है, ये और भी टेबल में आता है ना, तो उसको हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि इन दोनों में 5 और 3 में सबसे छोटा कौन सा है, 3, तो हम पहले इसे किस से करेंगे, 3 से। ठीक है, 3 पे कितने पे आते हैं, 5 पे आता है ना, और 5 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में तो आता नहीं, ओनली 5 पे आता है, 5 × 5। तो इस तरह से हमारा 15 और 12 का एलसीएम हो गया। अब हम जानते हैं और चीज़ों का एलसीएम कैसे करते हैं। एलसीएम और भी, अब हमने क्या किया, हमें 3 चीज़ें दी है, 12 का, 13 का, या फिर 14 का। चलो हम 13 की जगह कुछ और ले लेते हैं। अब हमें बोला है कि इन तीनों का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो इन तीनों का एलसीएम हम एक साथ निकालेंगे। ठीक है, इसी में बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, तीनों को अलग अलग निकाल देते हैं। तो इन तीनों में अब हम जानते हैं कि 12, 14 ये दोनों 2 के टेबल में आते हैं, बट 15 नहीं आता, तो हम पहले क्या करेंगे, 2 से ही करेंगे। 12 कितने पे आता है, 6 पे आता है, और ये 7 पे आता है, और इसको हम ऐसे ही उतारते जाएंगे। ठीक है, अभी ये 2 से जाएगा ना, 6 आता है क्योंकि 2 के टेबल, 3, 7 और 15 को ऐसे ही उतारेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आगे इन तीनों में 3, 7, 15 में कॉमन वैल्यू, ये तीनों में 7, 3 और 15। तो हम जानते हैं ना 7 किसी के टेबल में आता है, ना 3 आता है, तो हम पहले 3 करेंगे तो 1 पे आएगा, फिर 7 करेंगे तो 7,
थ्री कितने, थ्री के टेबल में 15 तो आता है ना, कितने पता है, 5 पे आता है, तो ठीक है हमारा कट गया। अब हमारे पास ये वैल्यू बची है, ये 7 और ये फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1। तो हमें अंत में आखिरी डिजिट क्या लानी होती है, सब में 1 आना चाहिए। अगर हमारा 1 हो गया, इक्वल हो गया, तो इसका मतलब हमारा एलसीएम हो गया। अगर हमें पता नहीं चल रहा कि इनका एलसीएम सही है गलत, इनको इंटू करके देख लेना चाहिए।